इंदौर में अपने प्रेमी की पत्नी की पिटाई से तंग आकर प्रेमिका ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका को प्रेमी की पत्नी ने उसके घर पहुंचकर धमकाया था और मारपीट की थी, जिसके तनाव में युवती पिछले दो दिनों से अपने घरों पर ही रहकर परेशान थी, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। मृतिका के परिजनों ने जब फांसी पर लटका युवती को देखा तो तुरंत फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये दोनों मेरी बहन जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक लड़का भी काम करता था, ड्राइवर था। तो दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत थी, नॉर्मली बातचीत थी, फ्रेंडली। तो उस चक्कर में बातचीत थोड़ी बढ़ गई, तो उसकी जो लड़का है वो दो बच्चों का बाप है, तो दो बच्चों का बाप है वो, और उसकी औरत को पता होता चल गया कुछ, तो उसकी औरत ने घर पर आकर हंगामा करा भयंकर तरीके से और मारा कूटी भी करी। और ये तीन औरतें आई थी, ये मारा भी लपक के, और उसी डिप्रेशन में शायद मेरी बहन ने ऐसा गलत कदम उठा लिया। आज दिनांक मुझे एक मर्ग प्राप्त हुआ है। काजल पिता गिरधारी, उम्र 20 साल, निवासी इद्रिस नगर मूसाखेड़ी इंदौर। ये कल फांसी 30 तारीख को 3:30 बजे करीब फांसी लगा ली, और उसी को MY हॉस्पिटल में लाए थे जहाँ पर मृत घोषित कर दिया।